जो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे अपने ट्यूटोरियल्स। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे अपने ट्यूटोरियल्स में वो है वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए पीएचपी में हम यूज करते हैं डॉलर साइन का डॉलर, और अब फिर अपने आइटम जो भी वेरिएबल है उसका नाम और फिर उसकी वैल्यू। और ये हमारा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 है। और अगर किस चीज़ को अगर हमने पीएचपी में कुछ डिस्प्ले कराना है अपने ब्राउजर में तो हम इको कमांड का यूज़ करते हैं, इको और फिर अपने वेरिएबल का नाम और सेव। चलो देखते हैं अब इसको। और 4 तो ये हमारा एक आइटम वेरिएबल है और इसकी 4 वैल्यू है। अब जो इसकी वैल्यू है वो हम स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, जैसे दिस इज स्ट्रिंग सेव, हम चेक करेंगे और रिफ्रेश, दिस इज स्ट्रिंग। सो ये एक हमारा वेरिएबल है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम कैपिटल आई यूज करेंगे यहाँ पे और हम रिफ्रेश मारेंगे। सो एरर अनडिफाइंड वेरिएबल आइटम, क्योंकि पीएचपी केस सेंसिटिव होती है। इसका मतलब कि हमको एक वेरिएबल और डिफाइन करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू कैपिटल आई से स्टार्ट होती है और उसकी वैल्यू होगी हमारी 4। और हम यहाँ पे ये तो अलग अलग वेरिएबल हैं, आइटम विद स्मॉल आई एंड आइटम विद कैपिटल आई। तो अब इसको देखते हैं, रिफ्रेश 4। और अगर हम इको करेंगे स्मॉल आई तो हमारी दिस इज स्ट्रिंग प्रिंट होगा, हमने देख लिया ही। एक तरीका और जो आइटम हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने कर सकते हैं वो है अंडरस्कोर का यूज। कोई भी दो वैल्यूज, कोई भी दो वर्ड्स को हम अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं इसमें, जैसे माई अंडरस्कोर वेर, तो ये भी हमारा एक वेरिएबल है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं माई वेर, लेकिन इसमें हम मेनली यूज करते हैं कैमल केस, जिसमें हम दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए जो सेकंड वेरिएबल होता है उसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें हमने वी कैपिटल कर दिया, इसको हम कैमल केस बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा अगला तरीका है किसी वेरिएबल को डिफाइन करने का, वो अंडरस्कोर वेर, या फिर हम यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेर। और हम एक तरीका और जो हम यूज कर सकते हैं वो है किसी भी वेरिएबल के आगे नंबर डाल के। और ये इस ऐसे हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं और उनकी वैल्यू कोई भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो माय वेरिएबल है ये एरे भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। जावा में जैसे हम इंट के लिए इंटीजर यूज करते हैं, वेरिएबल के लिए वेर यूज करते हैं, कैरेक्टर्स के लिए सिंगल को डिस्प्ले करने के लिए कैर यूज करते हैं, लेकिन पीएचपी में हम सिर्फ डॉलर साइन का यूज करते हैं। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग।